कल की राइड के बाद, परसों की राइड के बाद टायर प्रेशर बहुत कम था और मैंने अब तक चेक भी नहीं किया वापस। तो ये पोट्रॉनिक्स का मैंने टायर इन्फ्लेटर लिया हुआ था स्पीति जाने से पहले, और वहाँ पे मैंने काफ़ी ज़्यादा यूज़ किया इसे। और मतलब इट्स वेरी यूज़फुल गाइस, सीरियसली आई एम टेलिंग यू, बिकॉज बहुत कम टाइम में आई थिंक 4 to 5 मिनट्स में ये इन्फ्लेट कर देता है टायर को। और ये एडवेंचर के टायर की बात कर रहा हूँ, तो इन्फ्लेट अच्छा खासी कम टाइम पर हो जाता है। तो अब जाके मेरी गाड़ी इन्फ्लेट करता हूँ और फिर उसके बाद निकलते हैं आफ्टर लंच। सो गाइस, जस्ट अभी मैंने इन्फ्लेट कर दिया, इट्स ऑल डन। अभी सिर्फ इतना है कि आगे जाते हैं। देखो अभी बाइक पे निकल रहा हूँ तो बारिश शुरू हो गई। This is the place, guys. एकदम dense forest के बीच से हम किसी location पे जा रहे हैं, तो बहुत ही exciting लग रहा है। ये 40 किलोमीटर्स का जो राइड है जंगल के अंदर, ये मुझे पता नहीं 20 किलोमीटर्स तो अभी हो गए, 5-6 किलोमीटर्स के बाद जंगल स्टार्ट हो गया था। तो ये पूरा एफर्ट एक बैम्बू फिट फाइबर को देखने का, सी द लेवल ऑफ क्रेजीनेस हियर। बहुत प्यारे प्यारे छोटे छोटे गांव दिख रहे हैं बीच बीच में, जो बहुत ही ब्यूटीफुल लग रहा है। देखिए छोटा सा फॉरेस्ट का एरिया पीछे गया। एनीवे ये सब भी फॉरेस्ट ही है जिसके बीच में छोटे छोटे गांव हैं। बहुत ही प्यारा है, बहुत ही प्यारा। ऐसा लग रहा है वीडियो बंद ही नहीं करूँ मैं, एंड तक चालू रहने दू। गाइस यहाँ पे पहुँच तो गए, लेकिन अभी और अंदर कोई एक ट्रेल है जहाँ पे हमें क्रॉस करते हुए जाना है, और वहाँ पे बैम्बू पिट वाइपर हमें ढूंढना है। ओके, तो वो हमें ट्रैक करना है, तो उसका मोमेंट वहीं कहीं है। सो दैट्स व्हाट ही सेड। एक गाइड है जो हमें ले जाने वाला था वहाँ पे, तो वो भी जस्ट आया, तो उसके साथ अभी निकलेंगे। यहीं पे खड़ी है पब्लिक, साफ सबके लेंस में फॉग जम गया है, तो वही सब लगे पड़े। सो गाइस, जस्ट एंटर्ड गोवा, पीछे गोवा का बॉर्डर था, तो अभी यहाँ पे पेट्रोल पंप है। हाँ, तो
तो अभी यहाँ से गोवा के भाव में मुझे पेट्रोल मिलेगा, तो एक हिसाब से अच्छा ही है। हाँ 98। तो ये जो गेट है, ये गेट एक्चुअली इट्स अ बॉर्डर, महाराष्ट्र गोवा बॉर्डर। तो अभी जस्ट मैंने वही क्रॉस किया, सो नाउ अगेन वी आर एंटरिंग बैक टू महाराष्ट्र। सो गाइस, यहाँ पे जो रिवर है, ये रिवर से पीछे की तरफ, ये रिवर से और पीछे की तरफ एक ब्रिज है, तो वो ब्रिज के यहाँ पे एक टाइगर ट्रैप लगा होता है। ओके, और कुछ दिनों पहले वहाँ पे टाइगर की साइटिंग हुई है, तो हम लोग उस जंगल से, अभी जिस पीछे की तरफ से एक जंगल से आ रहे थे और वहाँ पे टाइगर साइट हुआ था, तो वो लोग तो आज का दिन ख़त्म, और आज आखिरी दिन था, और हम लोगों ने आफ्टरनून में किसी और लोकेशन पे गया, जो आपने फुटेज देख लिया है, हम किसी और लोकेशन पे गए थे जिसकी साइटिंग हमें नहीं हुई, तो वी केम बैक अगेन। सो सारे ट्रेल्स हुआ, और ये ट्रिप का आज लास्ट डे है, और कल मॉर्निंग में मैं 6 o'clock यहाँ से निकलने का प्लान कर रहा हूँ। सो 5 o'clock उठेंगे, पैकिंग तो सब हो गया है ऑलमोस्ट, आई थिंक बैग पैक करके मैंने रख दिया है, और मॉर्निंग राइडिंग गेयर्स पहनना है और यहाँ से निकलना है। तो कल का अपडेट मैं आपको देता हूँ मॉर्निंग में। तो फिलहाल डिनर मैंने कर लिया है, और बाकी के जितने भी मेंबर्स थे सारे घर के लिए निकल चुके हैं। सडनली प्लान हुआ दैट दे शुड लीव एट नाइट ओनली, सो दैट इन द मॉर्निंग दे विल रीच, तो पूरा दिन बच जाएगा। मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है, बारिश भी हो रही है, सो आई डोंट वॉन्ट टू टेक द रिस्क। तो मुझे नाइट में राइड नहीं करना था, तो मुझे रिस्क नहीं उठाना था रात का, तो मैंने सोचा कि मॉर्निंग में निकल जाएंगे, तो डे लाइट में चलाएंगे और शाम में पहुंच जाएंगे 7-8 बजे तक आराम से, तो कोई दिक्कत नहीं है। बाइक का एक प्रॉब्लम हुआ है कि चेन बहुत ज़्यादा लूज़ हो गया है, और मुझे बैरिंग का इशू लग रहा है, बिकॉज चेन चलते हुए कभी लूज़ हो रही है, कभी टाइट हो रही है, तो बैरिंग का इशू मुझे समझ आ रहा है। तो ये कल ऑन द वे किसी KTM सर्विस सेंटर पर रुक के मैं चेक करवा लूँगा, तो शायद हो सकता है घर में लेट पहुँचूँ, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन बाइक की सही कंडीशन होनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अभी सोता हूँ और मॉर्निंग निकलता हूँ, और मॉर्निंग में ट्राई करूँगा कि वाटरफॉल ज़रूर आपको दिखा पाऊँ। निकलते वक्त यहाँ पे अम्बोली वाटरफॉल है, तो मैं वहाँ से होते हुए जाऊँगा, रोशनी रही तो मैं अच्छे तरीके से शूट करूँगा, और वो वाटरफॉल आपको ज़रूर दिखाऊँगा। सो सी यू गाइज एंड गुड मॉर्निंग गाइज। सो ऑल सेट टू लीव नाउ, अभी निकल रहे हैं मुंबई के लिए, बैक टू मुंबई। और फिलहाल थोड़ा उजाला तो आ गया है, टाइम इज 6:10, और अभी मैं जाऊँगा वाटरफॉल की तरफ, वाटरफॉल शूट करते हैं। कल से वाटरफॉल देखने की कोशिश कर रहा हूँ जो नहीं देख पा रहे थे, तो आज वाटरफॉल में दिखाता हूँ। ओके, और थोड़ा शूट करेंगे, कुछ टाइम रुकेंगे और वहाँ से निकल जाएंगे टूवर्ड्स मुंबई। महाराष्ट्र ट्रेन मानसून का सीरीज अगर आपको अच्छा लग रहा है, तो प्लीज़ डू हिट द लाइक बटन और सब्सक्राइब टू माई चैनल। तो यहाँ से आगे बढ़ते हैं और आपको आगे का अपडेट करते हैं। तो वेदर कुछ ऐसा हो रखा है, माउंट तो कर लिया मैंने, बारिश तो हो ही रही है, तो चलते हैं। तो गाइस, ये जो वाटरफॉल था, दिस इज अम्बोली वाटरफॉल, वहाँ पे बारिश बहुत जोरों की हो रही थी, तो वहाँ पे रुक नहीं पाया मैं, क्योंकि मैं शूट भी नहीं कर पा रहा था। वहाँ से मैं थोड़ा आगे आ गया हूँ, और यहाँ पे जैसी बारिश रुकी मैं रुक गया। सो हियर इज द ब्यूटी, और आपको यहाँ के नज़ारे दिखाता हूँ। हालांकि कुछ नहीं दिख रहा है, बिकॉज कम्प्लीटली फॉग्ड है। तो मैंने तो एक्स्ट्रा सेफ्टी, ये रिफ्लेक्टर बेल्ट पहन लिया है, ताकि ये फॉग में पीछे से बहुत, आई थिंक 100 meters के डिस्टेंस के आगे का कुछ दिखाई नहीं देता है, आई थिंक उससे भी कम, तो इट्स बेटर टू वेयर एक्स्ट्रा सेफ्टी। तो अभी मैं यहाँ से निकलता हूँ, और आगे और कितने ब्यूटीफुल नज़ारे मिल सकते हैं वो मैं कैप्चर करता हूँ और आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। सो मिलते हैं। गाइज, अम्बोली क्रॉस किया है मैंने, और अभी हैं हम, हाँ अम्बोली क्रॉस करके आजरा के रास्ते एक फॉरेस्ट आता है, वो हम वहाँ हैं।
तो अभी इस फॉरेस्ट से होते हुए जा रहे हैं हम, और व्यूज तो बहुत ही ब्यूटीफुल देखने मिल रहा है। तो बारिश भी रुक गई थी तो मैंने रोक के GoPro लगा लिया ताकि आपको दिखा पाऊँ। और बारिश एक्चुअली पीछे फॉग के साथ जो बारिश हो रही थी ना, विजिबिलिटी एकदम ज़ीरो हो चुकी थी और फॉग इतना ज़्यादा था, इट वॉज रियली डेंजरस कि मैं कॉन्सेंट्रेशन बात करने में या वीडियो रिकॉर्डिंग में डालूँ। तो इसीलिए मैंने बारिश की वजह से तो GoPro अंदर रखा ही था, और अब जैसी कम हुई और जैसी बारिश रुकी मैंने निकाल लिया है GoPro वापस। यहाँ से थोड़ा रोड ख़राब भी है, छोटा सा पैच था फॉरेस्ट का तो वो तो गया। आई थिंक कोई भी ट्रेवलर एक फीलिंग के साथ हमेशा कनेक्ट कर सकता है कि जब भी कोई ट्रिप ख़त्म होता है तो ट्रिप ख़त्म होने के बाद घर जाने की जो फीलिंग होती है वो बहुत बुरी होती है। मतलब ट्रिप ख़त्म हो गया, आप बुरा फील हो रहा है एंड इट्स लाइक नहीं यार घर वापस नहीं जाना। यही नेशनल हाईवे यहाँ से लेफ्ट है और रवा मसाला डोसा, दिस इज़ द ब्रेकफास्ट फॉर टुडे। 10:30 बस अभी टाइम हो रहा है, 10:30 अभी निकलता हूँ फिलहाल और करता हूँ आगे का अपडेट। आज शेल से पेट्रोल भरवाएंगे, फुल कर दे भाई। नमस्कार भाई, बोल सुन नहीं सकता था यार वो बंदा, पावर पेट्रोल है उनके पास, सादा पेट्रोल नहीं है। तो फिर बाद में बताया कि 7 किलोमीटर बाद एक पेट्रोल पंप है, वहाँ पे मैं भर सकता हूँ। पुणे एग्जिट कर लिया है मैंने और अभी लोनावला एंटर कर रहे हैं। बीच में ज़ोरदार बारिश वापस शुरू हो गई थी, कहीं सनी है तो कहीं ऐसे क्लाउडी वेदर है। लोनावला जस्ट 1 किलोमीटर डिस्टेंस से, 1-2 किलोमीटर डिस्टेंस पे एंटर कर ही चुके हैं एक्चुअली। लंच तो अब तक किया नहीं मैं, देखेंगे आगे करना है कि नहीं करना है। चेन स्लैक का जो सीन था वो चेन ऑटोमेटिकली टाइट हो गया है, वो 100% बेयरिंग का सीन है, ये सर्विस सेंटर में जाके ही चेंज कराना पड़ेगा। तो उससे पहले कहीं रुकने की ज़रूरत नहीं पड़ रही है मुझे। वापस जाने वाला राइड है ना कहीं थोड़ा बहुत तो बोरिंग लगता ही है यार, कुछ भी कर लो ये तो सीन है ही है। अभी थोड़ा वेदर अच्छा है तो अभी ठीक है, आराम आराम से पहुँच सकते हैं। अभी पूरे राइड में इनफैक्ट जाते वक्त भी मेरे को ज़्यादा वक्त तो फिर भी समझ में आया मुझे, बिकॉज थर्सडे था, एक सिंगल राइडर मुझे नहीं दिखा पूरे रास्ते पे, मतलब यहाँ से लेके अम्बोली तक। और अभी वहाँ से आते वक्त भी आई वॉज एक्सपेक्टिंग के बाइकर्स होंगे 100% ऑन द वे, तो मिलते रहेंगे, एक भी बाइकर नहीं मिला अब तक ऑन द वे। पता नहीं पब्लिक बारिश में राइड पर निकल रही है नहीं निकल रही है। ये लोनावाला की ट्रैफिक, पूरा क्लीन वेदर है यार यहाँ पे तो, नो फॉग नो बारिश,
पब्लिक एज यूजुअल भरी पड़ी है। रिस्ट पनवेल अब यहाँ से कहीं पे भी नहीं रुक रहा हूँ। वैसे भी मैं लास्ट जहाँ रुका हुआ था वो था कोल्हापुर, अभी इसके बाद से सीधा घर, अभी कहीं रुकूंगा नहीं। यहाँ से और 2 घंटे लगेंगे, मतलब 6 से पहले पहुँच जाएंगे। अभी टाइम हो रहा है 3:40, 6 से पहले घर पहुँच जाएंगे। ऑलमोस्ट घर पहुँच चुका हूँ, यहाँ से मोर 30 मिनट्स, आधे घंटे में घर पहुँच रहा हूँ। नाउ टाइम इज़ 4:58, ऑलमोस्ट 5 o'clock, 5:30 तक मैं घर पे रहूँगा। अभी पीछे एक सीन हुआ, राइट की तरफ चला रहा था मैं, एक सडनली एक ट्रक हटी और उसके पास एक बहुत बड़ा खड्डा था, तो आगे की टायर बेंड हो गई, आगे की टायर तुरंत अपट गई उसके अंदर और आगे का रिम बेंड हो गया। तो बस 15 मिनट का डिस्टेंस बाकी था घर का और ये रिम बेंड हो गया, तो होना है वो होता ही है। तो चलो कोई बात नहीं, सवाल ये भी है कि आप मैं इसे सर्विस सेंटर ले कैसे जाऊँ। अब जैसे तैसे घर तो पहुँच रहा हूँ, चलो उससे ज़्यादा और कुछ नहीं हुआ। अब जो सीन हुआ वो उससे बहुत बड़ा एक्सीडेंट भी हो सकता था, लेकिन वो नहीं हुआ, तो बला टली। इस तरीके से देखता हूँ कि और सिर्फ व्हील ही बेंड हुआ है, सो ठीक है कोई बात नहीं।